हेलो दोस्तों, नमस्कार। इंडियन रेल मुसाफिर चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये वीडियो है वो है नई दिल्ली से अयोध्या तक सभी चलने वाली ट्रेन्स की जानकारी के बारे में, यानी कि नई दिल्ली से अयोध्या के बीच में कौन कौन सी ट्रेन्स चलती है उसके बारे में हम बात करेंगे। नई दिल्ली से अयोध्या के बीच में तकरीबन 4 ट्रेनें चलती हैं। इसमें 3 मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, 1 सुपर फास्ट ट्रेन है। इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे कि नई दिल्ली के कौन से स्टेशन से जो है ये ट्रेन चलती है अयोध्या के लिए, अयोध्या तक की कौन सी डायरेक्ट ट्रेन है और उस ट्रेन का नाम क्या है, नंबर क्या है, कितने बजे वो दिल्ली से रवाना होती है और अयोध्या में कितने बजे पहुंचती है, और कौन से दिन वो चलती है नई दिल्ली से, और उस ट्रेन में कौन कौन से कोचेस हैं और कितना डिस्टेंस जो है ये कवर करती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। नई दिल्ली से अयोध्या के बीच में वैसे 4 ट्रेनें चलती हैं, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जो सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है वो है कैफियत सुपर फास्ट एक्सप्रेस, जो 10 घंटे 40 मिनट में नई दिल्ली से अयोध्या की जो दूरी है कवर करती है। और जो सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है वो है सद्भावना एक्सप्रेस, जो वाया फैज़ाबाद होकर चलती है, ये 14 घंटे 13 मिनट में दूरी जो है कवर करती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं नई दिल्ली से अयोध्या तक कौन कौन सी ट्रेन चलती है और उसकी डिटेल्स क्या है। नई दिल्ली से अयोध्या के बीच में 4 ट्रेनें चलती हैं, 3 जो है मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है और 1 जो है सुपरफास्ट ट्रेन है। जो सबसे पहली ट्रेन है वो है सद्भावना एक्सप्रेस, जो वाया फैज़ाबाद होकर चलती है। ये सबसे स्लोएस्ट ट्रेन भी है 4 ट्रेनों में से। ये जो ट्रेन है सद्भावना एक्सप्रेस वाया फैज़ाबाद होकर, इस ट्रेन का नंबर है 14018 और ये आनंद विहार टर्मिनल से हर बुधवार को शाम के 4:25 पर चलती है और अयोध्या में ये 14 घंटे 13 मिनट बाद सुबह 6:38 पर पहुँच जाती है। और इसके तकरीबन 16 स्टेशंस हैं और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं और ये 632 किलोमीटर का दूरी जो है कवर करती है आनंद विहार टर्मिनल से अयोध्या तक। और इसकी जो एवरेज स्पीड है वो है 44 किलोमीटर पर आवर और ये सबसे स्लोएस्ट ट्रेन है इस रूट पे। यह तकरीबन 14 घंटे 3 मिनट पर अपनी जर्नी जो है कवर करती है और ये नॉर्दर्न रेलवे जोन द्वारा जो है ऑपरेट की जाती है और ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है। आनंद विहार टर्मिनल से ये 1 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है। जो दूसरी ट्रेन है इस रूट पे वो है सबसे सुपर फास्ट ट्रेन, जिसे कैफियत सुपर फास्ट एक्सप्रेस भी कहते हैं। नई दिल्ली से अयोध्या के बीच में ये सबसे सुपर फास्ट ट्रेन है। इस ट्रेन का नंबर है 12226। कैफियत सुपर फास्ट एक्सप्रेस जो है पुरानी दिल्ली स्टेशन से रोजाना चलती है, डेली ट्रेन है, शाम के 7:15 पर चलती है और 10 घंटे 40 मिनट बाद अयोध्या में 1 नंबर प्लेटफॉर्म पर सुबह 5:55 पर पहुंच जाती है। इसमें फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं। 650 किलोमीटर की दूरी जो है ये कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है वो है 61 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो तीसरी ट्रेन है वो है सरयू यमुना एक्सप्रेस। सरयू यमुना एक्सप्रेस वैसे अमृतसर से चलती है, बट मैं जो आपको डिटेल्स बता रहा हूँ वो दिल्ली से अयोध्या के बीच में की बता रहा हूँ। सरयू यमुना एक्सप्रेस जो है पुरानी दिल्ली स्टेशन से हर सोमवार, बुधवार और शनिवार को चलती है। इस ट्रेन का नंबर है 146/50 और ये मेल एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है, नॉर्दर्न रेलवे जोन जो है उसे ऑपरेट करता है। पुरानी दिल्ली स्टेशन से ये 13 नंबर प्लेटफॉर्म से रात के 9:10 पर रवाना होती है और अयोध्या में ये 11:43 बाद सुबह 8:53 पर 2 या 3 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाके पहुंचती है। इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं और ये 621 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है पुरानी दिल्ली स्टेशन से अयोध्या तक। और इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पर वो है 53 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद जो आखिरी ट्रेन चलती है इस रूट पे वो है फरक्का एक्सप्रेस, जो वाया फैज़ाबाद होकर चलती है। फरक्का एक्सप्रेस जो है नई दिल्ली से अयोध्या के बीच में जो चलती है, इसका ट्रेन नंबर है 13484 और ये नई दिल्ली के पुरानी दिल्ली स्टेशन से हर इतवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को चलती है। ये हफ्ते में 4 दिन चलती है। ये जो ट्रेन है पुरानी दिल्ली स्टेशन से रात के 9:40 पर रवाना होती है और अयोध्या में अगले दिन 12:38 बाद ये सुबह 10:18 पर पहुँचती है। और इसमें सेकंड एसी, थर्ड एसी, स्लीपर क्लास और जनरल क्लास के डिब्बे हैं और ये 642 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। इसकी एवरेज स्पीड जो है इस रूट पे वो है 51 किलोमीटर पर आवर। फरक्का एक्सप्रेस जो वाया फैज़ाबाद होकर चलती है, ये जो ट्रेन है ईस्टर्न रेलवे जोन द्वारा जो है ऑपरेट किया जाता है और इस ट्रेन का नंबर है 13484 और ये पुरानी दिल्ली स्टेशन से 7 नंबर प्लेटफॉर्म से रवाना होती है और अयोध्या में ये 1 या 2 नंबर प्लेटफॉर्म पर जाकर रुकती है। दोस्तों, इसी के साथ नई दिल्ली से अयोध्या तक चलने वाली सभी ट्रेन्स की जानकारी की वीडियो जो है समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो के रिगार्डिंग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करें और या अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और अन्य वीडियोज़ बने तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुँचती रहे और मेरी बाकी अन्य वीडियोज़ को भी देखें और लाइक और शेयर जरूर करें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और
साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए।